कल रात बड़ा डरावना सपना आया। मैं नासा के अंतरिक्ष यान में बैठा हूँ सूरज के पास जाने के लिए, ये मैसेज देने के लिए कि वो भाई संडे वाले दिन छुट्टी नहीं कर सकता। उसकी वो छुट्टी की एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई और उसने अभी तक आ रहा हूँ नहीं बोला, जबकि उसके आने का ऑफिशियल टाइम आने वाला। और मेरे बॉस ने मुझे साफ साफ बोल के भेजा है कि अगर आज ओ नहीं आया ना तो जी बड़े सारे बंदे परेशान हो जाने, आंधी आ जानी है, तूफान आ जाने, वो जितनी लंबी रात में किन्ने सारे कांड हो जाने पता है। वीर जय आज ये बंदा नहीं आया, और जय ये बंदा आज छुट्टी कर गया तो लगा ले 12 से 12 घंटे ओ यार 36 घंटे की रात हो जानी है, पावर ग्रिड फेल हो जानी है, उल्लू चमगादड़ों के यार उड़ उड़ के पंख टूट जाने, ए पक्षी लोग यार ए बेचारे पूरे 36 घंटे पेड़ पे टंगे रह जाने हैं, ये बंदा आज छुट्टी नहीं कर सकता पापे, तू इसको समझा के कैसे भी करके अपने साथ ले गया। मैं सोच रहा था कि क्या बोलूंगा उसको जाके कि उस बंदे की भी बात भी ठीक है यार भाई, अगले के नाम पे तुम दिन का नाम संडे रख दो और उससे एक्सपेक्ट करो कि यार वो उस दिन भी आए, मतलब तुम मजे से छुट्टी करो और वो तुम्हारे मसाले सुखा के जाए। ये बात तो यार ठीक नहीं, एक दिन तो यार उसका भी बनता है छुट्टी मारने का। बंदे की आज तक की फुल अटेंडेंस है, एक दिन भी छुट्टी नहीं करी अगले ने। वो सपने में रॉकेट के पीछे आग लगाने वाली गिनती वो 3 तक पहुंच गई थी और 3, 2, 1 होने वाला था। इतने में मेरा अलार्म बच गया, मैं उठा यार सनराइज पॉइंट के लिए निकल पड़ा। अकेला ही था पर यार सही में लगा कि आज किसी ऐसे से मिलने जा रहा हूं जो आएगा ही आएगा, समझ रहे हो? नहीं, जब किसी से मिलने जाते हैं तो वो एक अजीब सा एक शक होता है ना कि आएगा या नहीं आएगा। कभी मेरे पहुंचने के बाद उसका मैसेज आए कि भाई आज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और हम कॉल पे कॉल करे जाएं पर भाई बंदा अब फोन नहीं उठाएगा, मतलब ये वाला शक या डाउट या ख्याल मन में नहीं था बल्कि एक अजीब सा एक्सट्रीम लेवल वाला विश्वास था कि मैं पहुंचू ना पहुंचू पर वो जरूर आएगा, मैं उठ के चलू ना चलू पर वो पूरे दिन बिना रुके बिना थके न जाने कैसे अपने सारे काम वक्त पे करके उस रात में चला जाएगा, मतलब किसी की भी नहीं सुनेगा, बादल हो तो उनके पीछे से चमकेगा और हर रोज की तरह अगली सुबह भी फिर से आ धमकेगा, क्योंकि हर रोज आना उसकी मजबूरी नहीं उसकी सबसे बड़ी आदत है। उसके साथ साथ बस चल सके ऐसा कोई दफ्तर नहीं बना, और मैं सपने में उसकी एप्लीकेशन लेके बैठा था कि घड़ी चलते चलते कभी भी रुक सकती है, धड़कने सांसें हमारा साथ कभी भी छोड़ सकती हैं, पानी बर्फ बन के एक जगह सदियों तक जमा रह सकता है, आग अंगारे बनकर राख हो सकती है, मगर याद रखना हमेशा कि दिन में अंधेरा बादलों के आने से होता है, सूरज की तो संडे को भी छुट्टी नहीं हो सकती। हीरो बनने के लिए 0 से 100 पे नहीं पहुंचना, बस 1 तक भी पहुंच जाओ तो आगे की जिंदगी गिनती करने के लिए ही तो पड़ी है।